जब भी हम सोलर सिस्टम को इमेजिन करते हैं या फिर फोटोज एंड वीडियोस में देखते हैं तो इसका नज़ारा हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक फ्लैट डिस्क जिसमें रिंग नुमा देखने वाले पाथ में आठों प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल भी आया है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट डिस्क जैसा क्यों है? आखिर इसके फॉर्मेशन के वक्त ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये एक प्लेन डिस्क में फॉर्म हुआ? क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो स्पेस एक थ्री डायमेंशंस वाली जगह है और मे बी इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए जरूरी तो नहीं है कि सोलर सिस्टम एक 2D प्लेन जैसा बने। इसमें प्लैनेट्स इसका चक्कर डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन में भी तो लगा सकते थे। जिस तरह एक एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन में मूव करते हैं, ना कि सोलर सिस्टम जैसे एक सेम ऑर्बिटल प्लेन में। इस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए हमें आज से करीब 4.2 बिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा, जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट डिस्क जैसा है, बल्कि इसके सभी प्लैनेट्स इसे सेम डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसको अगर हम और क्लोज जाकर देखें तो जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट प्लैनेट्स की ना सिर्फ रिंग्स एंड मून्स सेम डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहे हैं, बल्कि ये भी एक सेम ऑर्बिटल प्लेन जैसी डिस्क में ही हैं, जिसके पीछे की साइंस अब चलिए डिस्क्लोज करते हैं। आज से करीब 4.2 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम H2 नेबुला के डीप इन द हार्ट में गैस एंड डस्ट का सिर्फ एक क्लाउड मात्र था। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली इसके आउटसाइड एक सुपरनोवा हुआ, जिसकी शॉक वेव्स ने इस क्लाउड के पार्टिकल्स पर प्रेशर जनरेट कर दिया, जिसके चलते इसके पार्टिकल्स अपनी ही ग्रेविटी के चलते कोलाइड और एक दूसरे से जुड़ने लगे। फिलहाल ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक ऐसे ही चलता रहा और इसका ये इनफॉलिंग मटेरियल दिन पर दिन और ज्यादा इनर्जेटिक होता गया। ये मटेरियल जितना ज्यादा कोलैप्स होकर एक जगह सक होता, उस ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती। और ग्रेविटी की तो ये फितरत ही होती है कि वो हमेशा मैटर के साइज को छोटा करने का प्रयास करती है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है देन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है, जो मैटर को एक जगह कंसंट्रेट करता है, जिसके चलते फाइनली इस क्लाउड के बीच में एक प्रोटो स्टार फॉर्म हुआ, जिसका जैसे जैसे मास बढ़ता गया वैसे वैसे ये प्रोटो स्टार और ज्यादा तेज स्पिन करने लगा और प्रोटो स्टार के आसपास का क्लाउड एक फ्लैट डिस्क में बदल गया, जिसे प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है। दरअसल इस क्लाउड का इस प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क में बदलने के पीछे का जो साइंटिफिक रीजन था वो था इस प्रोटो स्टार का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दरअसल किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम उसके रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करता है, जो कि दो चीजों पर डिपेंड होता है, पहले उस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर और दूसरा उसकी स्पिनिंग स्पीड पर। इन दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टीज बदलती है तो दूसरा उसे फुलफिल करता है, जिसके चलते टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। और इसीलिए जब हमारे सोलर सिस्टम का जायंट स्पेस क्लाउड ग्रेविटी के चलते छोटा हो रहा था, यानी प्रोटो स्टार का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो रहा था, तब उसे कंजर्व बनाए रखने के लिए प्रोटो स्टार की स्पिनिंग स्पीड बढ़ गई और सोलर सिस्टम एक सेम प्लेन डिस्क में फॉर्म हुआ। जब ये प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क फॉर्म हो रही थी तब मटेरियल सभी डायरेक्शन से इसकी तरफ आ रहा था और अपोजिट डायरेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते जा रहे थे, जिसके चलते अंत में सेम डायरेक्शन वाले ऑब्जेक्ट ही बचे। और इस चीज को आप इस एक्सपेरिमेंटल विजुअलाइजेशन से आसानी से समझ सकते हो, जिसमें ये एक प्रोटो स्टार है जिसके आसपास ये ऑब्जेक्ट्स छोड़े गए हैं, जो दोनों तरफ से इसे ऑर्बिट कर रहे हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो अपने आप को कैंसल आउट करते जाते हैं और अंत तक सेम डायरेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स ही बचते हैं, जबकि ये विजुअलाइजेशन तो सिर्फ 2D प्लेन का है।
थर्ड डायमेंशंस में कैसा होता होगा इसे आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं। वेल, ठीक इसी प्रकार प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क में प्लैनेट्स एंड उनके मून्स फॉर्म हुए, जिसके चलते वो भी एक सेम प्लेन डिस्क में हैं। और अभी तक जो वैज्ञानिकों के द्वारा दूसरे सोलर सिस्टम ऑब्जर्व किए गए हैं, उन्हें भी देखकर यही प्रतीत होता है कि उनके भी फॉर्मेशन के वक्त ऐसा ही हुआ होगा, और साथ ही गैलेक्सीज में भी, जिसके चलते वो भी फ्लैट डिस्क जैसी है। तो ये वजह थी दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का एक सेम ऑर्बिटल प्लेन में होने की। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट एक परफेक्ट सेम प्लेन में नहीं है, उनमें कुछ डिग्रीज एंगल का डिफरेंस है, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हो। मरकरी प्लेनेट का ऑर्बिट इन वेरिएबल प्लेन से 6.3 डिग्री का एंगल बनाता है, वीनस 2.2 डिग्री, मार्स 1.7 डिग्री, अर्थ 1.6 डिग्री, यूरेनस 1.0 डिग्री, सैटर्न 0.9 डिग्री, नेपच्यून 0.7 डिग्री एंड जुपिटर 0.3 डिग्री का। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो लगभग ये सेम ऑर्बिटल प्लेन में ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।